हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट 87 में। आज मैं आप लोगों को रॉकविल के ग्लास फिनिशिंग फ्रिज के बारे में बात करूंगा, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसे वीसी कूलर भी बोलते हैं दोस्तों, और बहुत लोगों को अपनी दुकान के लिए ये फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया है। ये आपका रॉकवेल कंपनी है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, आपको ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ब्रांड है आपका रॉकवेल जो है, सबसे अच्छी ब्रांड होती है फ्रीज़र के लिए और फ्रिज के लिए, ठीक है। द रेफ्रिजरेंट कंपनी है, ठीक है, 1986 की कंपनी है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, ये जो आप ऊपर का पैनल देख रहे हैं, इसमें ये एलईडी पैनल है। आप इसमें अपना भी कोई ब्रांडिंग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप अपना भी कोई अगर ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं अपने दुकान में, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें बात करते हैं, ये आपका लॉक हो गया, ठीक है। अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं, इसे लॉक भी कर सकते हैं। और ये ग्लास जो होता है, ये टफ एंड ग्लास होता है, काफ़ी मजबूत ग्लास होता है, ये जल्दी आसानी से टूटता नहीं है दोस्तों, और एकदम। तो चलिए अब हम लोग इसे खोलते हैं। ये देख लीजिए, इसमें आपका अंदर की तरफ भी ग्लास लगा हुआ रहता है और बाहर की तरफ भी ग्लास लगा हुआ रहता है, मतलब दोनों साइड ग्लास लगा हुआ रहता है, ताकि बाहर अगर गर्मी ज़्यादा भी है तो अंदर आपका कूलिंग बना रहे। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग इसके अंदर की। तो यहाँ पे इसका फ़ैन लगा हुआ है, कूलिंग फ़ैन। ये फ़ैन से ही आपका कूलिंग पूरे एरिया में अच्छे से फैलता है, ठीक है। और ये आपका है टेम्परेचर कंट्रोल करने का। अगर आपको ज़्यादा ठंडा चाहिए तो इसको 6-7 पे कर दीजिए, कम चाहिए तो आप इस 2-3 या 1 पे रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं इससे। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप दो स्विच देख रहे हैं दोस्तों, दोनों स्विच का काम ये है। पहला स्विच आपका ये फ़ैन का है, ये फ़ैन ऑफ हो जाएगा। दूसरा स्विच है, ये फ़ैन चलता रहेगा और कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा दोस्तों। ये चीज़ आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद डेप्थ की बात करें तो अंदर भी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जा रहा है दोस्तों। ये आपका, इसमें आपको 4 रैक मिलेगा, 1, 2 और 2 यहाँ पे है। ये चारों रैक को आप जहाँ भी सेट करना चाहते हैं आराम से निकाल के हर एक जगह पे आप सेट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा ये जगह बना हुआ है, जहाँ पे भी आपको सेट करना है वो कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, इसमें हैंडल मिल जाता है आपको। ये हैंडल दिख रहा है, ये हैंडल जो है आपका वो यहाँ पे आपका लगेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका वो हैंडल लग जाएगा, तो इसका लुक और भी अच्छा दिखने लगेगा और आपको इसे खोलने और बंद करने में आसानी होगी दोस्तों। हैंडल के साथ साथ इसमें नट वोल्ट वगैरह सारा चीज़ रहेगा। उसके बाद इसकी लॉक की चाबी यहाँ पे है, और इसमें एक, अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो आप ओपन कर सकते हैं इसके नट को, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपका कंप्रेसर रहता है, और यहाँ पे देख रहे हैं विंड दिया हुआ है, ताकि कंप्रेसर की जो भी एयर हो, गर्म हवा, वो आराम से यहाँ से बाहर निकल जाए दोस्तों। और अगर इसकी व्हील की बात करें तो इसमें 360 व्हील आएगी, ठीक है। इसमें चक्का दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आपको अगर इधर उधर ले जाना हो आराम से इसको, क्योंकि ये बहुत भारी होता है दोस्तों, आराम से आप इधर उधर ले जा ला सकते हैं इसे, ठीक है। इसमें 4 चक्का लगा हुआ रहता है, 1, 2 और 2 पीछे है। और तो दोस्तों, आप भी अगर लेना चाह रहे हैं अपने दुकान के लिए वीसी कूलर या फिर ग्लास वाला फ्रिज, तो आप इस ब्रांड का जरूर लें, रॉकवेल का। ये सबसे अच्छी ब्रांड होती है ग्लास फिनिशिंग में, ठीक है। इसमें 2 मॉडल आ जा रहा है, एक जो है आपका 310 लीटर का है, ठीक है। दूसरा जो है आपका, ये आपका 240 लीटर का है दोस्तों। इसका MRP ये है, ये MRP लिखा हुआ है। इसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें भी सेम फंक्शन है, ठीक है, जैसा उसमें है। बस इसमें एक चीज़ ये है कि ये आप जो ब्रांडिंग के लिए बताए थे, इस मॉडल में वो नहीं मिलेगा आपको। और इसकी पीछे की बात करें दोस्तों, तो पीछे भी पूरा पैक रहेगा ये, ठीक है। ये देख लीजिए, पूरा पैक रहेगा इधर। और नीचे जो है ये आपका कंप्रेसर का है, और कंप्रेसर के साइड भी ओपन नहीं है, ताकि जाली लगा दिया है, ताकि आपका कुछ भी चूहा वगैरह इसमें घुस ना पाए दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो रेफ्रिजरेंट होती है, तो वो R600 जो सबसे अच्छी गैस होती है वो यूज़ करती है। और आपका रेटेड पावर देख लीजिए, 210 वाट का है, ठीक है, 200। और ये आपका हो गया कस्टमर केयर नंबर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो दोस्तों, टोल फ्री नंबर है। तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।